नमस्कार, माई सेल्फ मलिका परवीन, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बीकानेर। आज हम LLB फाइनल ईयर के सब्जेक्ट सिविल प्रक्रिया संहिता के ऑर्डर 21 का रूल 46A, जो दो नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें पूछा जाता है कि गार्निशी ऑर्डर क्या होता है या अनुऋणी आदेश क्या होता है, कि इसमें ये कब दिया जाता है या क्यों दिया जाता है। डिग्री के निष्पादन या जब डिग्री का एग्जीक्यूशन किया जाता है तो अगर निर्णित ऋणी अगर कह दे कि मेरे पास ना तो कोई अचल संपत्ति है, ना ही मेरे पास धन है, मेरे कब्जे में कोई प्रॉपर्टी भी नहीं है और ना ही धन है, लेकिन मेरा जो धन है मैंने इस, जैसे निर्णित ऋणी ए है, ये कह देता है ए निर्णित ऋणी कि मेरे पास धन तो है डिग्री का एजुकेशन करने के लिए, लेकिन एट प्रेजेंट वो धन मेरे कब्जे में नहीं है, मैंने किसी थर्ड पर्सन को सी को उधार दे रखा है, ठीक है, ऋण दे रखा है, वो धन मेरा है तो सही पर एट प्रेजेंट मेरे कब्जे में नहीं है, मैं डिग्री का एजुकेशन कैसे करूं, निष्पादन कैसे करूं। तो वहां पर वो ये बचाव लेता है कि मेरे पास जो धन है वो मैंने तो सी को या थर्ड पर्सन किसी और को उधार दे रखा है या ऋण दे रखा है, ठीक है। तो जो डिग्री का एजुकेशन करने वाला न्यायालय है वो क्या करता है, निर्णित ऋणी के ऋणी। गार्निशी का मतलब है अनुऋणी, यानी निर्णित ऋणी का ऋणी कौन हुआ, ए निर्णित ऋणी है का ऋणी कौन हुआ, सी, यानी डिग्री का एजुकेशन करने वाला न्यायालय निर्णित ऋणी के ऋणी यानी सी को आदेश देता है कि आपके पास जो धन उधार दिया हुआ है निर्णित ऋणी का, वो धन या तो आप वापस निर्णित ऋणी को भुगतान करें या न्यायालय में जमा करा दे। क्या ऑर्डर देता है, डिग्री का एजुकेशन करवाने वाला न्यायालय निर्णित ऋणी के ऋणी को ऑर्डर देता है कि निर्णित ऋणी के द्वारा आपको जो धन उधार दिया गया है वो या तो क्या आप वापस निर्णित ऋणी को चुका दे या उतना धन न्यायालय में जमा करा दे, जितने से डिग्री का एग्जीक्यूशन या डिग्री का निष्पादन आसानी से किया जा सके, ठीक है। तो ये गार्निश ऑर्डर क्या है, यहाँ पे डिग्री का एग्जीक्यूशन करवाने वाला न्यायालय निर्णित ऋणी के ऋणी को ऑर्डर दे रहा है, निर्णित ऋणी ए के ऋणी यानी सी को ऑर्डर दे रहा है कि आप में जो पैसा निर्णित ऋणी यानी ए जो मांगता है उतना पैसा आप या तो क्या है वापस निर्णित ऋणी को भुगतान कर दे या वो पैसा आप न्यायालय में, वो धन न्यायालय में जमा करा दे ताकि डिग्री का एग्जीक्यूशन हो सके, ताकि डिग्री का एग्जीक्यूशन या डिग्री का निष्पादन हो सके। इसको बोलते हैं अब जो चुकाने में जो खर्चे लगेंगे, यानी निर्णित ऋणी का गार्निश ऑर्डर के द्वारा अगर धन का भुगतान न्यायालय में करा जमा कराया जाता है, धन का भुगतान न्यायालय को किया जाता है तो धन का भुगतान करने में जो भी खर्चे लगेंगे वो खर्चे निर्णित ऋणी के लगेंगे, जो भी खर्चे हैं वो निर्णित ऋणी के लगेंगे, वह डिग्रीदार को संदत की जाएगी, जो भी खर्च निर्णित ऋणी के ऋणी यानी सी से जो पैसे लिए गए हैं, जितना डिग्री का एग्जीक्यूशन होता है उतना पैसा धन डिग्रीदार को दे दिया जाएगा, जितने मान लो 5 लाख रुपए इसको देने थे ए को और डिग्री आई थी 3 लाख की, अगर सी 5 लाख न्यायालय में जमा कराता है तो 3 लाख की डिग्री थी बी की, तो बी को 3 लाख रुपए भुगतान कर दिए जाएंगे और शेष बची हुई रकम निर्णित ऋणी को वापस जमा करा दी जाएगी। तो ये होता है गार्निश ऑर्डर और ऑर्डर 21 के रूल 46
ए में वार्निशी ऑर्डर दिया हुआ है, दो नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है। थैंक यू सो मच।